हेलो गाइस, दिस इज़ उमिता मंतोड़े। वेलकम बैक टू माय चैनल उमिता द हेयर स्टाइलिस्ट। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो जैसे कि आपने टाइटल देखकर आपको समझ में आया होगा कि आज का वीडियो बेसिकली कौन से टॉपिक के ऊपर है। सो यस, आज का वीडियो है हेयर कलर के ऊपर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज हम फंकी कलर करने वाले हैं, और फंकी कलर करने से पहले मैं बालों को प्री लाइटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि बिना प्री लाइटनिंग के कोई भी कलर शो नहीं करते। जैसे कि ब्लू, ग्रीन, पर्पल, पिंक, ये सब कलर डार्क हेयर पे ज़्यादा तो शो नहीं करते। तो इसके लिए आपको बालों को प्री लाइटनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर आपका जो प्री लाइटनिंग लेवल है वो थोड़ा हाई होगा, लाइक 9 लेवल और 10 लेवल तक को आपको बालों को प्री लाइटनिंग करना है। सो प्री लाइटनिंग के लिए मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ वो है ये वेला का मल्टी ब्लॉन्डर। मैं ये यूज़ करूँगी बिकॉज इससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे से आता है, और आई वुड सजेस्ट कि आप वेला का ब्लॉन्डर यूज़ करो। और ये कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, बट मैं ज़्यादा तो ये प्रिफर करती हूँ, ताकि इससे एक प्री लाइटनिंग लेवल है काफ़ी अच्छे से आ जाता है। तो इट्स योर चॉइस, अगर आपको कोई और भी यूज़ करना है जैसे कि इगोरा वगैरह, वो भी अच्छा ब्रांड है, बट आई प्रिफर दिस वन। हमारा मिक्सिंग हो चुका है, तो मैंने इसे वेला का 30 वॉल्यूम यूज़ किया है, ताकि इसे लिफ्टिंग लेवल अच्छे से आता है 30 वॉल्यूम से, बिकॉज 20 वॉल्यूम मोस्टली हम रूट टचअप के लिए यूज़ करते हैं। तो 30 वॉल्यूम से जो है लिफ्टिंग प्रोसेसर वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैं ये स्वॉशकॉप का जो एंटी येलो है, जो नंबर है 011, ये मैं 1 पिंच इसमें ऐड करूँगी। रीज़न ये है क्योंकि आपको एंटी येलो जो कॉन्सेंट्रेट है वो काफ़ी हेल्प करता है। जब भी आप डार्क हेयर पे ब्लॉन्डर यूज़ करते हो, प्री लाइटनर यूज़ करते हो, उससे काफ़ी हद तक बाल येलो टोन हो जाता है। तो जो टोन है उसे कट डाउन करने में काफ़ी हद तक वो उससे हेल्प हो जाती है। तो मैं यहाँ से जो वेव्स है वो मीडियम वेव्स लेने वाली हूँ, ताकि वो जो ओवरऑल लुक है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। तो ये मैं ज़्यादा थिन भी नहीं और ज़्यादा थिक भी नहीं, इसलिए ये मीडियम वेव्स लिया है। तो आपको अब जब भी प्री लाइटनर यूज़ करते हो तो रूट से 1 इंच थोड़ा अवे करके लगाना है, क्योंकि हीट के वजह से वो एनीवेज थोड़ा स्प्रेड हो जाता है। तो ज़्यादा रूट तक आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा तो, और एप्लीकेशन करने के टाइम भी आपको काफ़ी अच्छे से अप्लाई करना है, एप्लीकेशन अच्छे से होना चाहिए, ताकि वो बालों में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, पैची लुक नहीं आता है। तो एप्लीकेशन आपका हमेशा एकदम अच्छे से होना चाहिए। तो हम लोग का जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब इसे मैं और 20-25 मिनट रखने वाली हूँ, विजुअल चेक करने वाली हूँ। अगर ये अच्छे से लाइट हो गया है तो अच्छी बात है, वरना हम लोग को थोड़ा इसे हीट देना पड़ेगा, ताकि ये जल्दी प्रोसेस हो जाए। तो मैं अब इसे थोड़ा हीट देने वाली हूँ, क्योंकि जो प्री लाइटनिंग का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, इसके लिए हमें थोड़ा सा इसे हीट देना पड़ेगा। जो हम लोग ने प्री लाइटनिंग किया था वो मैंने शैम्पू कर दिया है, और शैम्पू के बाद मैंने ये जो ब्लॉन्डर का जो ब्लॉन्ड सील एंड केयर है ये यूज़ किया है 5 मिनट के लिए। तो इससे बाल ज़्यादा डैमेज नहीं होते, इसे कंडीशनर के जैसे ये यूज़ होता है, मॉइस्चराइज़र इसे मिलता है।
कलर यूज़ करने वाली हूँ जो कि फर्स्ट है एक कैप्री ब्लू, सेकंड है 089, मैंने स्वॉशकॉप का यूज़ किया है, थर्ड वाला है वो एमराल्ड ग्रीन। ये जो दो है, एक ग्रीन और ये जो कैप्री ब्लू है, वो दोनों क्रेजी कलर का है। और जो ये वायलेट इफेक्ट जो है उसमें मैं 089 यूज़ कर रही हूँ ताकि उसे एक अच्छा वायलेट टोन मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे सेम वीविंग सेक्शन ले रही हूँ और वही सेम रखते हुए जो ब्लू कलर है जो मैं कलर यूज़ करने वाली वो सेम मैं डिपॉजिट करूँगी। और अभी ये कलर लगाने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका इमल्सिफिकेशन एकदम अच्छे से होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी हद तक प्री लाइटिंग हो चुके हैं, तो आपको एकदम अच्छे से ध्यान दे के सेक्शन को अच्छे से ब्लेंड करना है। तो सेम वे ये मैं अभी जो वायलेट कलर है वो लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा आपको अच्छे से इसको इमल्सिफाई करना है, अच्छे से ब्लेंड करना है, तो ही वो कलर अच्छे से दिखेगा। सो गाइज एज यू कैन सी मेरा ऑलमोस्ट हो चुका है, अब लास्ट सेक्शन है, इसके बाद मैं इसे 30 मिनट तक रखने वाली हूँ। वैसे अगर आप जितना ज़्यादा टाइम तक ये कलर रखते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा दिनों के लिए ये कलर रहता है। तो आप जब भी ब्लेंडिंग करोगे, इमल्सिफाई करोगे, अच्छे से करना ताकि ज़्यादा लाइक लॉन्ग टाइम आपको ये कलर रहेगा। A few minutes later, मेरा हेयर वॉश करके हो गया है, अब मैं बस यहाँ से थोड़ा ट्रिम करके एक अच्छा शेप दे देती हूँ तो ओवरऑल जो ब्लेंड है वो अच्छे से दिखेगा। आप देख सकते हो कलर काफ़ी अच्छे से आ चुका है, बट फिर भी अभी बाल थोड़े वेट है तो इतना ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा, बट एक बार बाल हम लोग ड्राई कर देंगे तो अब अच्छे से हम लोग कलर देख सकते हैं। सो गाइज आप देख सकते हैं हमारा हेयर कट और हेयर कलर का वीडियो हो चुका है, आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये कलर काफ़ी अच्छे से दिख रहा है ओवरऑल। सो अगर आपको ये कलर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगा है। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।